सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोन नंबर्स वगैरह सेव हैं उसको आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कैसे भेज सकते हो, या फिर दोस्तों अगर आप अपने सारे फ़ोन नंबर्स आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों जब हम अपना जो फ़ोन नंबर उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन क्या आता है कि हम सभी फ़ोन नंबर्स को एक बार में ही शेयर नहीं कर पाते, हमें एक एक करके शेयर करना पड़ता है। तो इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है और इससे बहुत देर भी लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपका जो कॉन्टैक्ट है, सारा का सारा जितने भी आपके फोन नंबर्स वगैरह हैं उसको दोस्तों आप एक क्लिक के अंदर आपका जो सारे के सारे फोन नंबर्स वगैरह होंगे वो एक फाइल के अंदर आ जाएंगे। तो आप उस फाइल को चाहे आप दूसरे फोन के अंदर भेज के आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो, ब्लूटूथ से भी भेज सकते हो, आप जिससे भेजना चाहो उससे भेज सकते हो अपने सारे के सारे फोन नंबर्स वगैरह। तो कैसे करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताता हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने सारे के सारे जो फोन नंबर है उसको कैसे आप किसी को शेयर कर सकते हो या फिर अपने दूसरे फोन में कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको ओपन कर लेना है अपना डायलर पैड और यहाँ पे आपको चले जाना है कॉन्टैक्ट्स के अंदर। आप कॉन्टैक्ट्स के अंदर आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे फोन में काफी सारे फोन नंबर सेव हैं, करीब 189 फोन नंबर यहाँ पे सेव है, यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे करना ही होगा, यहाँ पे आपको थ्री लाइंस का बटन देखने को मिला है, ठीक है। ये हर एक फ़ोन में होता है दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में मेरे को कमेंट मत करना कि मेरे फ़ोन के अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि ऑप्शन ज़रूर से दिया गया, क्योंकि अलग अलग मॉडल का फ़ोन है, अलग अलग कंपनी का फ़ोन है। तो दिक्कत ये होती है कि अलग अलग जगह पर दिया गया है लेकिन दिया ज़रूर गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक शेयर कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एक बार बैक जाता हूँ और इन कॉन्टैक्ट्स को मैं शेयर करना चाहूँ तो एक एक करके ही यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। मैं सेलेक्ट के बटन पर दबाऊँ तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ मेरे को डिलीट का बटन दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं सारे सेलेक्ट कर लूँगा सिर्फ डिलीट का बटन ही दिखाएगा, शेयर का बटन कहीं नहीं दिया गया है। तो शेयर करने के लिए आपको करना यह है, थ्री डॉट्स के बटन पर क्लिक करना है, इम्पोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में आपको आ जाना है। उसके बाद शेयर कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे जैसा कि दिया गया है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्सपोर्ट टू स्टोरेज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट टू स्टोरेज के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो है आपका फाइल यहाँ पे सेव होगा, ठीक है, एक्सटर्नल इसमें, उसके बाद डाउनलोड्स, उसके बाद ये वाले फाइल के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। आपको सिंपली एक्सपोर्ट टू स्टोरेज के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और ये एक्सपोर्ट हो चुका है, ऊपर हमें नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको करना ये है, आपको चले जाना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर और फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे वहाँ वो कहाँ पे सेव हुआ था, डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। तो डाउनलोड्स के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपना जो फाइल है उसको ढूंढता हूँ। तो एक काम करते गाइस, यहाँ पे हम सीधा फाइल के अंदर ही चलते हैं, यहाँ पे फाइल के बटन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद डाउनलोड्स में चलता हूँ। अब हमारा जो फाइल है, हमारा जो कॉन्टैक्ट्स का फाइल है वो यहीं पर सेव हुआ था, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स हैं तो यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ यार, यहीं कहीं दिया गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा फाइल, ठीक है, डॉट वी सी एफ इसका नाम है, ठीक है, 001.vcf। तो अगर आप इसको ओपन करोगे कॉन्टैक्ट्स या फिर डायलर के अंदर तो ये आपके फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टर्मेक्स से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, एडिट करता हूँ मैं इससे। तो इसके अंदर होगा क्या कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपके जितने भी फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे सेव हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे, जितने भी फ़ोन नंबर्स वगैरह थे, सारे इस फाइल के अंदर आ गए हैं। अब आपको क्या कर सकते हो, आप इससे किसी को भी शेयर कर सकते हो, चाहे ब्लूटूथ से, चाहे व्हाट्सएप से, आप जिससे शेयर करना चाहो उससे सेव कर सकते हो। अब शेयर करने के बाद जब उसके फ़ोन में चले जाएगा तो उसको करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जिसमें भी आप सेव करना चाहो उसमें सेव कर सकते हो, गूगल इसमें, ठीक है। उसके बाद होगा ये कि आपके फ़ोन के अंदर ये सारे के सारे फ़ोन नंबर आ जाएगा जिस किसी को भी आप शेयर करोगे या फिर अपने दूसरे फोन में अगर आप शेयर करते हो तो। सो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक जरूर से कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आने वाले समय में जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो आप उसको सबसे पहले देख पा सको। आज के दिन बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।